Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, students, today we are going to study about combustion and flame from NCRT book class 8, chapter 6, part 1. So, student, let us start our video. First of all, we will study about कम्बशन फ्लेम मीनिंग सो स्टूडेंट्स कम्बशन मीन्स होता है जलना जब कोई चीज़ जलती है तो उसको हम कम्बसन कहते हैं एंड फ्लेम का मतलब होता है लो जब किसी चीज़ को हम जलाते हैं और लो निकलती है वो क्या कहलाती है फ्लेम हम कई सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं हमें आस पास कि जो जलती हुई है और उसमें लो नहीं निकलती और कभी लो निकलती है किन्हीं चीज़ों में सो so, स्टूडेंट्स हमको काफ़ी सारे जो फ्यूल्स हैं उनका लिस्ट बनाना है जो कि हमारे डेली पर्पज़ में यूज़ होते हैं या डेली लाइफ में हम देखते हैं कि हम उनको जलता हुआ देखते हैं काम में लाते हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए इंडस्ट्री को चलाने के लिए यूज़ में आते हैं ऐसे हमको देखना है उनका लिस्ट भी बनाना है जो कि ट्रेड इंड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं या घरों में यूज़ होते हैं तो हम जब देखते हैं तो वो क्या मिलते हैं हमको काउडंक हुआ इसके अलावा वुड हुआ कोल चारकोल पेट्रोल डीजल सी एन जी कंप्रेस नेचुरल गैस ये जो होते हैं वो फ्यूल्स होते हैं जो कि हम देखते हैं या फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होंगे कैंडल को जलते हुए देखकर आप क्योंकि जब लाइट चली जाती थी पुराने टाइम में तो क्या कैंडल ही जलाते अभी भी कई घरों में जिनमें इन्वेटर नहीं है वो लोग कैंडल ही जलाते हैं ना तो हमने देखा है कैंडल को बर्न करते हुए तो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक अ कोल आपने जब देखा कि हम कोल को जलाते हैं और कैंडल को जलाते हैं तो क्या डिफरेंस होता है तो देखो जो कोल होता है वो इंटरनल हीट से जलता है मतलब उसमें कोई भी लो नहीं होती जबकि कैंडल में लो होती है ना तो आपने सही गेस किया होगा कि जो कोल है उसमें फ्लेम नहीं होता कोल डज नॉट फ्लेम कोल के पास क्या नहीं होता स्टूडेंट्स फ्लेम नहीं होता है जबकि कैंडल के पास बर्न करने पर क्या होता है फ्लेम होता है ऐसे सिमिलरली हमको कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लेम देते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो कि नहीं देते हैं अब कम्बशन क्या है कम्बशन मीनिंग होता है रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम परफॉर्म इन क्लास सेवन आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हुए देखा होगा तो जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो वो एक लाइट प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट मैग्नीशियम रिबन को जब हम सेवन क्लास में भी हमने एक्टिविटी किया ये सेवन टू टेंथ आपको मैग्नीशियम रिबन जो है बर्न कराने की एक्टिविटी मिलती है तो स्टूडेंट जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या देखते हो कि एक हीट और लाइट क्या होती है प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स तो वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी द पीस ऑफ चारकोल ऐसे सेम एक्टिविटी हम चारकोल के साथ भी कर सकते हैं चारकोल को क्या करेंगे चारकोल को किसी चिमटे की सहायता से टंग की सहायता से क्या करेंगे पकड़ कर पास में लेकर जाएंगे कैंडल के फ्लेम के पास और वो जे देखेंगे कि वो बर्न हो रहा है और किस टाइप की लाइट और हीट को प्रोड्यूस कर रहा है तो जब कोई चीज़ बर्न होती है तो वो एयर के प्रेजेंस में बर्न होती है ये एक्टिविटी हम करेंगे अगर हम किसी चीज़ को एयर की अब्सेंस में बर्न करेंगे तो वो नहीं बर्न होगी किसके प्रेजेंस में होती है कोई भी चीज़ बर्न एयर के प्रेसेंस में होती है और क्या प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट आप देखते हो जब कैंडल को आप बर्न करते हो तो उसमें ऑक्सीजन का प्रसेंस होना जरूरी एयर होना ज़रूरी है अगर एयर नहीं होगा तो वो बर्न नहीं होगा स्टूडेंट्स है ना तो एयर का होना ज़रूरी है और क्या प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट सो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि कंबेशन का मीन जलना है और जो भी चीज़ जलती है वो क्या होती है हमारी एयर के प्रेशंस में होती है और क्या प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट सो स्टूडेंट्स अभी आपको एक और चीज़ पता चल गया होगा कि फ्यूल्स क्या होते हैं फ्यूल्स किसी भी मशीन्स को रन करने के काम आते हैं स्टूडेंट्स एक और चीज़ देखना है हमको एक केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कम्बशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है सब्सटेंस रिएक्ट करता है मतलब सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है हीट देता है इसको भी हम क्या बोलते हैं कंबसन सेम डेफिनेशन है केमिकल प्रोसेस है. है ये भी कि अगर कोई सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है और क्या देता है हमको हीट तो वो क्या है कम्बशन द सब्सटेंस दैट अंडर गोस इज सेड टू बी कम्बस्टिबल जो चीज जलती है वो क्या होती है कम्बस्टिबल और जो जलने वाली चीज़ है वो क्या है फ्यूल है तो द तो फ्यूल में भी सोलिड लिक्विड और गैस फ्यूल कैसे भी हो सकते हैं सोलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं लिक्विड में और गैस में तो जो भी चीज़ हम घरों में या आसपास देखते हैं जो बर्न होती है वो फ्यूल होता है अब फ्यूल सोलिड लिक्विड इन गैस के एग्जाम्पल्स में आपको क्लियर कर देती हूँ सोलिड में आप जब देखते हो तो आप कोल को देखते हो तो वो क्या होता है अपना सोलिड थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होता है फिर लिक्विड में आप देखते हो पेट्रोलियम है अपना और गैशियस फॉर्म में आप एलपीजी गैस को देखते हो तो वो क्या है गैशियस फॉर्म में तो जो फ्यूल है वो कई सारे फॉर्म में होता है जैसे कि सोलिड लिक्विड

इन अब बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन हीट इज प्रोड्यूस हमारी बॉडी में भी जो फूड होता है वो भी क्या होता है फ्यूल की तरह काम करता है जैसे बॉडी को जरूरी होता है ऑक्सीजन इन क्या देता है वो हमारे हम एनर्जेटिक होकर काम करते हैं सेम फ्यूल की तरह फूड काम करता है हमारी बॉडी में अब हमको एक कम्बस्टिबल और नॉन कम्बस्टिबल के एग्जाम्पल्स देखना है अपन को क्या करना है सारे मटेरियल्स लेना है जैसे स्ट्रो हुआ मैचिस्टिक हुआ एक्टिविटी सिक्स पॉइंट वन में सारी एक्टिव ये अपन को मटेरियल्स लेके एक्टिविटी करना है लाइक स्ट्रो मैचिस्टिक केरोसिन ऑयल पेपर आयन, नेल स्टोन पीस ग्लास और टीचर्स के सुपरविजन में एक्टिविटी करना है मतलब हमको इनको बर्न करके देखना है कंबस्टिबल है या नॉन कम्बस्टिबल है मतलब ये जलने वाले हैं या नहीं जलने वाले कंबस्टिबल मतलब जलने वाला किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और कौन सी चीज़ें नहीं जलती स्टूडेंट्स तो हम सबसे फर्स्ट देखेंगे वुड वुड क्या जलती है कम्बस्टिबल है यस yes. तो वुड जलती है ना लकड़ी जलती है इसके बाद पेपर भी जलता है तो पेपर भी कम्बस्टिबल है स्टूडेंट्स है ना इसके बाद आता है आयरन नेल के जलती है? नहीं तो ये नॉन कम्बस्टिबल है ना केरोसिन ऑयल ये भी जलता है स्टोन पीस नहीं जलता है तो ये भी क्या है नॉन कम्बस्टिबल है इसके बाद स्ट्रॉ भी जलेगा चारकोल मैचेस्टिक ये सारी चीजें जलती है तो ये कम्बस्टिबल है ग्लास नहीं जलता है कांच नहीं जलता है तो नॉन कम्बस्टिबल है है ना तो कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस आर आपने मन से आप और चीजों के नाम बता सकते हो कि जो कम्बस्टिबल है या नहीं है है ना तो आप बना सकते हो ना अपने आसपास भी देख कर के कौन सी चीजें जलती है और कौन सी नहीं जलती तो ये एक्टिविटी आप सिंपली कर सकते हो टीचर्स के सुपरविजन में अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में है ना देख सकते हो कोई चीज़ बर्न करके है और लिस्ट बना सकते हो सो स्टूडेंट्स हम एक्टिविटी सिक्स पॉइंट टू देखेंगे क्वेश्चन बी केयरफुल बाई हैंडलिंग बर्निंग कैंडल जब कैंडल को आप बर्न करते हो तो आपको केयरफुल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आप क्या करना है ये एक्टिविटी क्या आपको शॉर्ट में हुई एक्टिविटी समझा देती हूँ सबसे फर्स्ट आप एक बूट का प्लॉट मतलब का जो एक अपना टेबल टाइप है वो लेते हो उसमें दो स्टैंड लगा देते हो जब वो दो स्टैंड लगाते हो और एक बर्निंग कैंडल उसमें रख देते हो ऊपर से आप ग्लास ढक देते हो और यहाँ से एयर अंदर जा रही तो ये कैंडल ऊपर से भी खुला हुआ है तो जब आप ऊपर से भी खुला है नीचे से भी खुला है तो एयर इसके अंदर इंटर हो रहा है एयर जब इंटर हो रहा है तो ये कैसा है बर्न हो रहा है ना अब आप नीचे का स्टैंड हटा देते हो ऊपर से ही थोड़ा खुला है तो ये क्या है बर्न होते होते थोड़ा सा ऊपर का काम बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे बुझना चालू हो जाता है लेकिन अगर आप ऊपर से भी ढक देते हो नीचे से भी ढक देते हो और एयर कहीं से भी इंटर नहीं हो रही इसका मतलब ये बुझ गया है तो आपको एक्सपेरिमेंट क्या समझ में आए इस एक्सपेरिमेंट में समझ में आया होगा आपको कि जो कैंडल है वो किसके प्रेजेंस में जल रही है ऑक्सीजन के प्रेसेंट में एयर के प्रेजेंस में तो जब कोई चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगी तो ही वो जल पाएगी ठीक है ना We have read that the sun produces its own heat and light. It is also some kind of combustion. आपको पता होगा कि सन की खुद की लाइट होती है सन खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है।, इसका वो है, ना। जलता है ना सन पर इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन ये कोई छोटा मोटा रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन है आगे की क्लासेस में आप इसको पढ़ने वाले हैं ना अब आता है प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा कवर ट विद ग्लास जार कंबलर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स अगर आप चारकोल को और बर्निंग बूट को रख दोगे और उसको कवर कर दोगे अगर आप कवर कर दोगे तो सडनली वो जलना बंद हो जाएगा उसमें से क्या निकलेगा फोम uh, निकलेगा है ना स्टूडेंट्स अब आपने कभी किसी को जलते हुए देखा होगा तो जलने वाले पर्सन को क्या डाला जाता है ब्लैंकेट डाला जाता है ताकि जो उसकी हीट है वो क्या हो बाहर ना हो हीट उसमें से ना निकले और ये क्या हो जाता है उसको हम पैक कर देते हैं ब्लैंकेट से ताकि वो उसकी उसका प्रोटेक्शन हो पाए यू मस्ट हैव है एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर आपने पीस ऑफ पेपर को बर्न करते हुए देखा होगा तो बर्निंग ऑफ मैचिस्टिक्स इज ब्रॉट नियर टू अगर हम उसको पास में लेकर जाएंगे तभी बर्न होगा ना पेपर मैचिस्टिक के कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर इट क्या लकड़ी जल सकती नहीं है ना पेपर तो इजीली जल जाएगा लेकिन आप देखोगे कि अगर लकड़ी को जलाना हो तो जलेगा क्या इजीली नहीं आपने कभी सुना होगा ना कि गर्मियों के दिनों में जंगलों में आग लग जाती है है ना अपने तो क्या वहाँ पर कोई जंगलों में आग लगाने जाता है फॉरेस्ट फायर को करने जाता है कि नहीं वो ऑटोमेटिक हो जाती है कैसे होती है समर के डेज में ग्रास कैसी होती है फायर कैच कर लेती है और कैच करने के बाद वो पूरी जगह फैल जाती है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है ना तो डू दिस दिसमेंट एक्सपीरियंस टेल यू यूटरचर डिफरेंट सब्सटेंस केच फायर एट डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं डिफरेंट मटेरियल पर डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट फायर को कैच कर लेते हैं ना अब कैसे होता है इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है जिसका जैसा इग्निशन टेम्परेचर होता है वैसे चीजें बंद होती है अगर लोएस्ट टेम्परेचर होगा किसी चीज का मतलब इग्निशन टेम्परेचर कैसा हो लोएस्ट हो मतलब जिसका जैसे जैसे मैचस्टिक का इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर तो जिसका सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है इग्निशियम टेम्परेचर उसमें केच फायर हो जाता है मतलब फायर कैच कर लेती है आपने मैजेस्टिक को जल्दी से खुद से बर्न करते हुए देखा नहीं रूम टेम्परेचर पर बर्न करते देखा नहीं वो किसी चीज़ पर रब करने पर बर्न होती है ना तो सेफ उसका इग्निशियन टेम्परेचर उसको रब करने पर आता है तो हम सबसे फर्स्ट मे जो होता है उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि मेजेस्टिक का जो आ, इन्वेंशन है वो कैसे हुआ तो क्या हुआ था मेजेस्टिक है ना काफ़ी पुराना है मोर देन फाइव थाउजेंड ई ईयर्स एक गो स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड पाइन वुड जो था उसको सल्फर में डिप करके एंशियंट इजिप्ट में यूज़ किया जाता था मेजेस्टिक को एंशियंट इजिप्ट में क्या यूज़ किया जाता पाइन वुड को सल्फर के जो मटेरियल सल्फर में डिप करके यूज़ किया जाता था कहाँ पर इजिप्ट में उसके बाद क्या हुआ इसको थोड़ा डेवलप किया गया फिर एंटीमोनी में जो मिक्सचर है एंटीमोनी ट्राई सल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड को वाइट फॉस्फोरस के साथ मिक्स करके ब्लू और स्टार्च के साथ मिक्स करके इसको अप्लाई किया जाने वाला जाने लगा फिर वाइट फॉस्फोरस वॉड इग्निटेड एंड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन ये धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा फिर फॉस्फोरस को प्रूव किया डेंजरस किसी वर्क के लिए आफ्टर दैट ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा यूज़ होने लगा फिर मैच को लेस डेंजर बनाने के लिए रबिंग के लिए उसको कवर कर दिया गया किसमें में वाइट फॉस्फोरस के ग्लू में ऐसे इसका बाद में उसको और डेवलपमेंट चालू कर दिया गया और इस टाइप से मैजिस्टिक का क्या हुआ इन्वेंशन हुआ We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as long its temperature is lower than its ignition temperature. जब तक उसको proper ignition lower than its ignition temperature नहीं मिलेगा तब तक वो चीज burn नहीं होगी जिससे अपन coal सपोज एक बूट का बूट को जलाना है लकड़ी को टुकड़े को जलाना है और एक केरोसिन को कैरोसिन के साथ तुरंत आग ले लेता है ले लेता है ना पर अगर बूट को जलाना है तो वो पहले जलता रहता है जलता रहता है फिर जब उसमें पूरा इग्निशियम उसका जो रहता है लो हो जाता है तभी वो है जलना चालू होता है ना काफ़ी टाइम लगता है वुड को जलने में तो जब तक इग्निशन टेम्परेचर कैसा नहीं होगा लो नहीं होगा तब तक तो कोई चीज़ नहीं जलेगी केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट केच फायर ऑन देयर एट रूम टेम्परेचर इग्निशियम टेम्परेचर में क्या होता है केरोसिन और वुड जो है जल्दी से फायर को नहीं पकड़ती है रूम टेम्परेचर पे बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर पर अगर वो हीट जो है लिटिल जा थोड़ी भी ज्यादा हो जाएगी तो जल्दी से फायर को पकड़ लेगी बट इफ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल इट शुड इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर डज इट मीन डेट इग्निशियम टेम्परेचर केरोसिन ऑयल इज लोअर देन ऑफ वुड केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर कैसा होता है वुड से कम होता है इसलिए जल्दी से आग पकड़ लेता है अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट्स मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि अगर किसी का इग्निशन टेम्परेचर कम है तो वो जल्दी से आग पकड़ लेगी अगर इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो आग नहीं पकड़ेगा है ना इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप अगर हम पेपर कप में बॉयल वाटर डालेंगे अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर लोअर होगा तो वो तुरंत जलने लगेगा है ना द हीट सप्लाइड

काफ़ी जल्दी जो जल जाते हैं वो सब्सटेंस इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि पेट्रोल डीजल है ना इसके अलावा एलपीजी गैस ये क्या है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है ना जो जल्दी से तुरंत फायर को पकड़ लेते हैं ये कौन से सब्सेंस होते, है? होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सेंस होते हैं सो स्टूडेंट हाउ डू वी कंट्रोल फायर हमको फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तो सबसे फर्स्ट आपने देखा कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं जो जल्दी से फायर को पकड़ते हैं सो so स्टूडेंट्स ये जो हाउ डू वी कंट्रोल फायर है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सो प्लीज़ स्टूडेंट अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए